चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब चित्तौड़ के दौरे पर हैं और निश्चित तौर पर जौहर स्मृति संस्थान द्वारा आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की है, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से कल एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, कैसे देखते हैं आप इसको? नो डाउट राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। एमपी में 50 डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में भी एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में अब 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए, राजधानी जयपुर ही रहेगी। लोगों को तुरंत लाभ मिले प्रशासन का, कलेक्ट्री में तुरंत जा सके। अब जयपुर बढ़ गया और जिले बढ़ गए, दूरियां हो गई गांवों की, तो ज़्यादा जिले होंगे तो आसानी से पब्लिक तक सरकार की वेलफेयर की सारी स्कीम पहुंच सकेगी, पब्लिक का काम हो सकेगा। एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, एडीएम के पास, प्रशासन के पास कानून व्यवस्था ठीक हो सकेगी, एसपी बैठेंगे, प्रशासन बढ़ेगा। तो ये तो जैसे जैसे राज्य बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है, कंजस्टेड होता है एरिया, तो निश्चित रूप से ये नए जिले बनते हैं और ये नए जिले राजस्थान के आधारभूत विकास में क्रांति का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का चित्तौड़गढ़ दौरे पर बड़ा तंज कसा, उन्होंने कहा कि जो सलाहकार है उनके कहने पर 19 जिले तो गठित कर दिए, अगर कोई सलाहकार अच्छा होता तो राज्य भी घोषित कर देते, इस पोजीशन में कांग्रेस आज। देखिए, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं और उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो विरोध करें हमारा, अपनी बात कहे, लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री को चुनौती देता हूँ, राजस्थान की सरकार के काम को एक तरफ रख ले और खुद की सरकार, केंद्र सरकार के काम को एक तरफ रख ले, किसी भी दिन बहस कर ले हमारे साथ, मेरी गारंटी है। और जनता के पास मैं नंबर देने के लिए छोड़ता हूँ, यदि जनता हमें नंबर नहीं देगी जो सजा वो कहेंगे हम भुगतने को तैयार है। लेकिन बीजेपी के हो आप केंद्रीय मंत्री जी, ये जिले बनने से तो राजस्थान की जनता को फायदा मिला है, आप कैसे बुराई कर सकते हो जिलों की? आपकी केंद्र सरकार कुछ देती है, आप कुछ काम करते नहीं हो। ईआरसीपी का प्रोजेक्ट आज भी अधूरा है, 13 जिले पानी मांग रहे हैं, तो आपने स्पेशल क्या किया? आपको जवाब देना चाहिए। जो घोषणा हुई 19 जिलों की और 3 संभागों, कब तक धरातल पर आ जाएंगे, क्या उम्मीद है? जल्दी से जल्दी धरातल पर आ जाएगी। और आप जानते हैं कि बड़ी बात यह है कि बीजेपी तो ना घोषणा कर पाई ना काम कर पाई, घोषणा भी होगी, जब घोषणा की है तो इंप्लीमेंट भी करेंगे और इंप्लीमेंट वैसे ही करेंगे। अब हमने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, पहले 50 यूनिट तक बिजली फ्री का बिल आ रहा था, अब 100 यूनिट बिजली फ्री होकर बिल आएगा, और जब वो फ्री होकर आएगा तब लोगों की आंख में चमक होगी। चित्तौड़ का अपना एक गौरव है और उस गौरव के लिए महाराणा प्रताप का सम्मान किया जाता है, महारानी पद्मनी के जौहर का सम्मान किया जाता है। लेकिन ऐसी धरती पर खड़े होकर तो हमें बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। यदि कोई अच्छा काम कांग्रेस ने किया है तो आपको तारीफ करनी चाहिए, बीजेपी कोई अच्छा काम करेगी तो हम भी कर देंगे, लेकिन करो तो सही बीजेपी के लोगों, बातें ही बातें करते हो, देते कुछ नहीं हो, डायलॉग ज़्यादा, तो इनके तो सारे बम फुस हो रहे हैं, बम तो हमारे ही चल रहे हैं। जिन बमों के हमारा बम फूटता है तो दिवाली बनती है राजस्थान में, और इनका बम चलता है तो फुस हो जाता है। आने वाले परिणाम 100% कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। तो ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरह से जिलों की घोषणा हुई है तो जल्दी धरातल पर भी उतरेंगे और निश्चित तौर पर सरकार जो काम कर रही है वो जनता को गणेश मार कर काम कर रही है और निश्चित तौर पर राहत भी मिल रही है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार रिपीट होने जा रही है और जो काम किए हैं जनता के लिए, जनता के कामों पर सरकार रिपीट होगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़। कैसे लड़ूं इनके सामने जो मेरे स्वजन खड़े हैं? भगवान कृष्ण ने उनको केवल एक शब्द दिया था कि आपको नहीं, आपका हमारे को सजा मिल सकती है, परंतु हम जानबूझ करके किसी पर गाड़ी डालेंगे, पता हो सकता है यहां से ऊर्ध्वगति अधोगति होगी, यहां से की तरह लक्ष्मी बाई की तरह है और वीरान माता की। केंद्र सरकार में मंत्री है तो बनेगा प्रोटोकॉल, आपका बाकी दर्शन जरूर करना, जहाँ जो परिवार महारानी पद्मनी ने जहाँ जो कि आपका आदमी चौकीदार बने, बाबू बने, छोटी नौकरी करे चाहे बड़ी करे।